सीमा हैदर और सचिन को लेकर एक और विवाद सामने आया है। सचिन को लप्पू सा सचिन कहने वाली महिलाओं पर एक्शन, लप्पू सा सचिन कहने वाली महिलाओं पर एक्शन लेंगे एपी से। सीमा के वकील ने कहा कि सीमा के पति को टारगेट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है एपी सिंह। एपी सिंह ने कहा देश के जोड़े को किया जा रहा है बदनाम, देश के पतियों की तरफ से महिलाओं को दिया जाएगा जवाब। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेताओं ने भी महिला का विरोध किया और भारतीय किसान यूनियन के दफ्तर पहुंचे थे सीमा हैदर के वकील एपी सिंह। तो देखिए नया विवाद इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। सचिन और सीमा हैदर की जहां एक तरफ जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन कोई ना कोई विवाद भी इनसे जुड़ जाते हैं। पहले जहां सचिन के जो मौसी थी उनके लड़के का मामला जुड़ा, उनके बच्चों का मामला जुड़ा, तो अब सचिन को लप्पू कहने वाली महिला जो वायरल हो चुकी हैं उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से सचिन को लप्पू कहा गया कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती करी गई और बेइज्जती के साथ साथ वो महिला वायरल हो रही है, जगह जगह इंटरव्यूज दे रही है, उसको लीगल नोटिस दिया जाएगा। बाकायदा जो किसान नेता हैं उनके साथ बैठक हुई और किसान नेता ने भी आश्वासन दिया एपी सिंह को कि उस महिला जो महिला लगातार लप्पू लप्पू कह रही है सचिन को, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और उसके खिलाफ लीगल में जाएंगे और देखेंगे किस तरह की कार्यवाही करी जा सकती है। उनका कहना है कि सचिन और सीमा पति पत्नी हैं और ऐसे में किसी जोड़े को, किसी विवाहित जोड़े को इस तरीके से बदनाम करना ठीक नहीं है। तो देखने आने वाले वक्तों में ये प्रेम कहानी और कौन कौन से रंग दिखाती है और कौन कौन लोग इसका शिकार होते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए नोएडा से खबर सामने आ रही है सचिन को लेकर, ये पूरी जो पूरा जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दानिश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दानिश, पूरा विवाद क्या है और इस पूरे मामले में कहा जाए कि एक महिला की एंट्री हो रही थी जो सचिन को लेकर तमाम तरह के कमेंट्स करते हुए नजर आ रही थी, अब उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है और एपी सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए अब जो ये प्रेम कहानी है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को और आम लोगों को डिस्टर्ब करने लगी है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से वो दस्तावेजों वाले मामले में सचिन के ही मौसी के और फूफा के मौसी के बच्चों बेटों का नाम आया, उसके बाद एक महिला थी उसने एक अपना जो है बयान दिया था कि लप्पू सा सचिन है, क्या है सचिन में, इस तरीके का बयान दिया था और उस बयान के बाद लगातार उस पर मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगे और वो वायरल हो गया और इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि वो महिला खुद हिट हो गई, वो महिला भी एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गई। उसी को लेकर अब जो सीमा हैदर और सचिन के वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने लीगल एक्शन लेने का ऐलान किया और अकेले ही नहीं स्थानीय नेता हैं, किसान नेता हैं शिवराज सिंह भाटी, उनको अपने साथ लिया है और कहा है कि अब हम इस महिला और इनकी तरह अन्य महिलाएं जो सचिन की बुराई करती हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, इन सबको नोटिस भेजेंगे, क्योंकि ये सचिन और सीमा एक पति पत्नी हैं और एक कपल के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना, उनकी बुराई करना ये ठीक नहीं है, ये भारत संस्कृति के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और साथ ही कहीं ना कहीं इस पर जो है अपराध भी बनता है कि आप किसी को कैसे गाली बक सकते हैं या फिर किसी की छवि कैसे धूमिल कर सकते हैं। हालांकि ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि सचिन और सीमा दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन चूंकि एपी सिंह वकील हैं वो लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि जो मुखातिब करे सीमा हैदर को, अब सीमा हैदर नहीं सीमा मीना से नाम से मुखातिब करा जाना चाहिए। एपी सिंह बहुत बड़े वकील हैं, निर्भया का केस इन्होंने लड़ा था, कई ऐसे बड़े केस ये लड़ चुके हैं, लिहाजा वो नोएडा आए, बाकायदा जो किसान नेता हैं उनके दफ्तर पे पहुंचे और आपस में बैठ के मीटिंग करी कि आखिर किस तरीके से एक्शन लेना है और उसके बाद में खुद ये बयान दिया कि किस तरह का लीगल एक्शन जो है वो एपी सिंह की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला सुर्खियों में है और इसी वजह से क्या एपी सिंह भी इस पूरे मामले में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं?
अभी को देखिए एपी सिंह तो सीमा हैदर के वकील हैं, लिहाजा वो तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे ही, लेकिन आईपीसी की धारा होती है कि आप अगर किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसमें आईपीसी में नॉर्म्स बाकायदा धारा है, उसके तहत एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन पुलिस के पास कोई नहीं गया। ये एक्शन अगर लिया जाएगा तो कोर्ट के ज़रिए लिया जाएगा, चूँकि कोर्ट के मामले में माहिर हैं एपी सिंह, बड़े वकील, चर्चित वकील हैं, लिहाजा कोर्ट के थ्रू सीमा हैदर और सचिन कोर्ट के थ्रू एपी सिंह जो महिला है, जो जिस महिला ने इस तरीके के बयान दिए, वो अन्य महिलाएं जिन्होंने सचिन को के ऊपर आपत्तिजनक शब्द कहे, जो उन्होंने आपत्तियां लगाई, उनके ऊपर कोर्ट के जरिए धाराओं में कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसी धाराएं हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रूफ हो जाएंगी कि हाँ इन्होंने अपशब्द कहें, अपशब्द की भी धारा बनती है। तो ऐसे में एपी सिंह कोशिश करेंगे कि हाँ नोटिस पहले जो महिला है, जिस महिला ने इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया, उसको नोटिस दिया जाए, और नोटिस देने के बाद जो कार्यवाही आगे की होती है, कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है गंभीर धाराएं इसमें नहीं बनती, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सचिन और सीमा को लेकर लगातार जो विवाद होते आ रहे हैं, आखिर ये विवाद थमेंगे कब, क्योंकि विवाद रुकने का नाम नहीं ले, लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं, और इसी इन्हीं विवादों को लेकर ये नया विवाद पैदा हुआ है। तो देखना होगा जिस तरीके से एपी सिंह ने अब ये बयान दिया है कि वो लीगल एक्शन लेंगे ऐसी महिलाओं के विरुद्ध में, और उनका साथ लोकल स्तर के जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो शिवराज सिंह भाटी वो भी दे रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जहां पर सचिन का घर है उसी के बगल में ही थोड़ी दूर पर अगर चलेंगे वहां पर उस महिला का भी घर है जिसने लप्पू सा सचिन का शब्द का इस्तेमाल किया था जो वायरल हुई थी, तो आने वाले वक्तों में देखना होगा कि जो स्थानीय एक दुश्मनी होती है वो भी कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है इस तरीके की चीज़ों से और इस तरीके के एक्शनों से। जी ठीक है दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए सीमा सचिन की जो कहानी है उसमें एक नया एंगल अब आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया विवाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। लप्पू सा सचिन कहने वाली जो तमाम महिलाएं हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, और सीमा के जो वकील हैं एपी सिंह, उनकी तरफ से ये कहा गया है, स्थानीय स्तर के जो किसान नेता हैं उनका भी सपोर्ट अब मिलता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए, सीमा के पति को टारगेट किया जा रहा है, एपी सिंह की तरफ से ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं एपी सिंह, और उन्होंने अब कहा है कि देखिए सचिन को लेकर इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं अब उस पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है।